प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बड़ी सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। देखिए, पहले तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो, 2013 से जब से निषाद पार्टी आई है तब से वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। 2014 में बड़ी जीत कर रहे थे, 2019 में बड़ी जीत कर रहे थे, और 2022 में बड़ी जीत, और 2024 में भी ठीक है, कुछ आंशिक सफलता 2024 में मिली, लेकिन जीत तो मिली थी 2018 में जब निषाद पार्टी उनके साथ थी, तो ऐतिहासिक जीत गोरखपुर फूलपुर कैराना रूपपुर में थी। निषाद पार्टी 18% वोटों के हिसाब से उन्हें जगाया है, उन्हें राजनीतिक चीज पढ़ाया है, और निषाद जिधर रहते हैं उसी की जीत होती है। अभी उपचुनाव में सभी जगहों पर निषाद पार्टी खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव राजभर के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब मिलकर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उसे हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। निषाद पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ी, इसको लेकर क्या करेंगे? जब इस देश उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैले, उत्तर प्रदेश फिर से दहशतगर्द में अपराधी प्रदेश बन जाए, उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी सीट नहीं जीत के लिए क्षेत्रीय दल को अगर सहयोग दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, निषादों का आरक्षण लागू हो, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उत्तर प्रदेश में शांति हो, फिर से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग जीत के लिए हमने सीट नहीं छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का वादा किया। बीजेपी में कटोगे तो बटोगे का नारा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि ये नकारात्मक नारा है और निराशा का प्रतीक है। नहीं, दर्द तो उन्हें है कि जो बांटते थे हिंदू मुसलमान में, अब मुसलमान को कितना हूँ आप दे दो, धन दे दो, घर दे दो, इलाज करा दो, मकान दे दो, अनाज दे दो, लेकिन वोट कहाँ दे रहे हूँ। तो इसके मतलब धर्म के आधार पर जो बटे हुए हैं वो आखिर किस तरह के हिंदू मुसलमान करते थे, पहले देखो कैसे तलवार से त्योहार मनता था, अभी संस्कार से त्योहार मन रहा, दोनों में बहुत अंतर। हम तो ये कहते हैं कि अगर बटोगे तो अधिकारों से छटोगे, जैसे नाम कटना कहते ना, बटोगे तो कटोगे, मतलब अब 2-3 हजार, कम से कम 3 हजार मझवार का सर्टिफिकेट हमने बनवाया था, लेकिन एक केवट मल्ला बिंद में हमारे लोग बटे रहे, अब देखो नाम कटवा दिया सपा ने। तो ये भी है कि हम बटे रहेंगे, अधिकारों से छटे रहेंगे, तो ये नकारात्मक राजनीति वो लोग करते हैं, नकारात्मक सोच वो लोग पैदा करते हैं। हम लोग आज के दिन में इस नारे का, हमको एक होना चाहिए राष्ट्रवाद के नाम पर, ये हमारे कहने का।